गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इन चैप्टर एग्रीकल्चर टुडे डिस्कस अबाउट द टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई डू वी नीड द रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर इज एज ओल्ड एक्टिविटी। ये ऐसी एक्टिविटी नहीं जो हमने एंशियंट टाइम प्रेजेंट में स्टार्ट की हो, एंशियंट टाइम से एग्रीकल्चर होती आ रही है इन इंडिया। From thousands of years, we are practicing the agriculture, but sustained use of land without compatible technological institutional change have hindered the pace of agriculture development. लेकिन हम लैंड का लिमिटेड यूज कर पा रहे हैं बिकॉज हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशनल चेंज इंडिया में एग्रीकल्चर के अंदर नहीं आ पाए, जिससे कि एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट भी रुक गई है। सो वी नीड द रिफॉर्म इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। इन स्पाइट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स ऑफ सोर्स ऑफ इरीगेशन, आज इंडिया में डिफरेंट न्यू टाइप्स के रिसोर्स ऑफ मीन इरीगेशन आ चुके हैं। हम कैनाल से इरीगेशन करते हैं, सबमर्सिबल से इरीगेशन करते हैं, पॉन्ड से हम इरीगेशन करते हैं, बट स्टिल मोस्टली फार्मर्स इन इंडिया आज स्टिल डिपेंडेंट अपॉन द मानसून। आज भी रेनफॉल पर डिपेंड करते हैं। रेनफॉल होती है तो क्रॉप ग्रो होती है, रेनफॉल नहीं है तो क्रॉप ग्रो नहीं होती है। एंड नेचुरली फर्टिलिटी इन ऑर्डर टू कैरी ऑन देयर एग्रीकल्चर एंड इवन दे डिपेंड ऑन द नेचुरल फर्टाइल पावर ऑफ द सॉइल। वो कोई फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स यूज नहीं करते हैं टू इंक्रीज द प्रोडक्शन। दिस पॉजेस अ सीरियस चैलेंज क्योंकि इंडिया लगातार इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। टुडे इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। अगर इस तरह से एग्रीकल्चर हमारे यहाँ ज़्यादा एडवांस नहीं हो पाई तो हमें बहुत सारे सीरियस चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड फॉर मोर देन 60% इट्स पॉपुलेशन। इंडिया की मोर देन 60% पॉपुलेशन स्टिल एंगेज इन एग्रीकल्चर। दे डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड एंड फॉर देयर अर्निंग। जिस चीज़ के अंदर इतना डिपेंड करते हैं, लोगों को रोज रोटी मिली हुई है, जितनी लाइवलीहुड डिपेंड करती है, उसके लिए हमें डेवलप करना बहुत जरूरी है, उसे रिफॉर्म लाना बहुत जरूरी है। दैट्स वाई वी नीड सम टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर, अदरवाइज इन फ्यूचर वी आर गोइंग टू फेस अ सीरियस चैलेंज। बिकॉज इवन द फूड दैट वी कंज्यूम ऑल्सो गिवन बाय द एग्रीकल्चर टू अस। एग्रीकल्चर ऑल्सो प्रोवाइड द रॉ मटेरियल टू डिफरेंट इंडस्ट्रीज। इफ वी विल नॉट ब्रिंग अ रिफॉर्म, वी विल नॉट एबल टू कंपीट द इंटरनेशनल मार्केट एंड वी विल नॉट एबल टू फीड द ह्यूज पॉपुलेशन इन द कंट्री। दैट्स वाई वी कैन से दैट वी अर्जेंटली नीड द रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। कुछ रिफॉर्म्स इंडिया में स्टार्ट भी हुए हैं अब तक, कुछ रिफॉर्म्स हम डिस्कस करने वाले हैं जो रीसेंट इंडिपेंडेंस के जस्ट इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया में आ चुके हैं। फर्स्ट इज कलेक्टिवाइजेशन, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। जो छोटे छोटे जमीन के टुकड़े थे उन्हें इकट्ठा करके बड़ा जमीन का टुकड़ा बनाया गया। कोऑपरेशन, लोगों ने मिलकर खेतीबाड़ी करना स्टार्ट किया। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जो इंडिया में सबसे ज्यादा एक एविल थी। जमींदारी सिस्टम इंडिया में फॉलो होती थी, मोस्टली लैंड इज ओन्ड बाय द जमींदार इन इंडिया। फार्मर्स वर्क ऑन ए नॉमिनियल वेजेस और दे टेक द लैंड ऑन द रेंट फ्रॉम द जमींदार्स। सो जमींदारी को इंडिया में इंडिपेंडेंस के बाद खत्म कर दिया गया। दीज थ्री फोर थिंग्स वर गिवन प्रायोरिटी टू ब्रिंग अबाउट इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। देश में इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म लाने के लिए आफ्टर इंडिपेंडेंस सबसे ज्यादा प्रायोरिटी इन चीजों को दी गई। कलेक्टिवाइजेशन किया गया, लैंड होल्डिंग्स का कंसोलिडेशन किया गया, कोऑपरेशन फार्मिंग को बढ़ावा दिया गया और जमींदारी को देश में से अबॉलिश कर दिया गया। आफ्टर इंडिपेंडेंस व्हेन फर्स्ट फाइव ईयर प्लान वाज इनिशिएटेड इन इंडिया फॉर टू डेवलप द कंट्री। इंडिया में हर पांच साल बाद जो डेवलपमेंट प्लान स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में इंडिया का मेन फोकस लैंड रिफॉर्म पर था। हाउ कैन वी रिफॉर्म द लैंड, देयर मेन फोकस वाज रिगार्डिंग द लैंड रिफॉर्म एंड द एग्रीकल्चर।
द राइट ऑफ इनहेरिटेंस इन इंडिया भी देर रिगार्डिंग द प्रॉपर्टी देर इज राइट ऑफ इनहेरिटेंस द प्रॉपर्टी ऑफ पेरेंट्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सक्सेसिव जनरेशन, जिसकी वजह से क्या होता है जब पेरेंट्स की प्रॉपर्टी आने वाली जनरेशन में डिस्ट्रीब्यूट होती है तो उससे लगातार जमीन के टुकड़े छोटे छोटे होते जा रहे हैं. हैड ऑलरेडी लीड टू फ्रेगमेंटेशन ऑफ लैंड होल्डिंग, लैंड जमीन छोटे छोटे टुकड़ों में बढ़ती जा रही है. नेसेसिटेटिंग इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा जरूरी हो गया कि हम लैंड होल्डिंग्स को कंसोलिडेट करें, लैंड होल्डिंग्स को छोटे छोटे होल्डिंग्स में डिवाइड ना करें और एक कलेक्टिवाइजेशन को प्रायोरिटी दें. There are some reforms which take place during the 1960s and 1970s. There is a one is Reagan Revolution. It was based on package technology. New means of irrigation were used. HYV seeds were used. Latest technology was used. Fertilizer, insecticides, pesticides were used. There was a package technology. These things were used to increase the production of grains, mainly wheat and rice. But it was criticized. Sorry, it is Green Revolution को मेन लोग criticize करते हैं, कहते हैं कि इसका जो benefit तो हुआ but its benefits were limited only in few certain areas. White Revolution. This revolution was based on the increase the production of the milk in the country. It is also known as Operation Flood. So these reforms were also initiated by the Indian government in 1960s and 1970s. Now we will discuss about the reforms that were taken by Indian government in 1980s and 1990s. First of all, a comprehensive land development program was initiated. सबसे पहले एक बड़े लेवल पर लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट किया गया 1980s 1990s during Indian government द्वारा. These programs were involved the following reforms. फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोविजन क्रॉप इंश्योरेंस, इंडिया में क्रॉप्स का इंश्योरेंस करना स्टार्ट किया गया. ड्रॉट के अगेंस्ट, फ्लड, साइक्लोन, फायर डिसीज, साइक्लोन, फ्लड, ड्रॉट, सूखा पड़ने से यदि किसी की फसल खराब होती है उसके लिए लोगों को सरकार द्वारा उन्हें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल जाता है. इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ऐसे बैंक ओपन किए गए सो द बैंक्स विच कैन प्रोवाइड द लोन टू द फार्मर्स एट वेरी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट, से चीप रेट पर उन्हें आसानी से पैसा अवेलेबल हो सके, लोन मिल सके ताकि वो आसानी से अपनी क्रॉप ग्रो कर सके. KCC किसान क्रेडिट कार्ड ओपन स्टार्ट किए गए, किसानों को भी क्रेडिट कार्ड प्रोवाइड किए, उन्हें बोलते हैं KCC. पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम स्टार्ट की गई, यदि फार्मर्स को कोई पर्सनल एक्सीडेंट हो जाता है, किसी भी हाथ कट जाता है या कोई डेथ हो जाती है, उसके बदले सरकार द्वारा उन्हें परिवार को एक सहायता राशि प्रोवाइड की जाती है. अब एग्रीकल्चर के रिगार्डिंग, वेदर के रिगार्डिंग सरकार द्वारा स्पेशल वेदर बुलेटिन न्यूज सुनाई जाती है रेडियो के ऊपर, टीवी के ऊपर, ताकि समय के अनुसार अपनी खेती बाड़ी को ध्यान रख सकें फार्मर्स. दीज आर सम स्टेप्स, आई एम अगेन रिपीटिंग, KCC किसान क्रेडिट कार्ड, PAIS पर्सनल एक्सीडेंटल इंश्योरेंस स्कीम, स्पेशल वेदर बुलेटिन. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट ऑल्सो अनाउंस MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस. इस प्राइस मिनिमम सपोर्ट प्राइस बोलते हैं जब भी फार्मर, सपोज कीजिए इस बार वीट का मिनिमम सपोर्ट प्राइस 1950 रुपीज पर क्विंटल है. अब कोई भी उससे कम प्राइस में फार्मर्स की फसल नहीं खरीद सकता है, इतना पैसा तो किसान को मिलेगा ही मिलेगा. इसके अलावा फार्मर्स की जो दूसरों की लेबर एज ए फार्म लेबर काम करते हैं उनकी सैलरी फिक्स की गई. प्रोक्योरमेंट प्राइसेस फिक्स किए गए क्रॉप्स का, ताकि मिडलमैन फार्मर्स का एक्सप्लोटेशन ना कर सकें. इसके लिए सारी फैसिलिटी पॉलिसीज को, सारे रिफॉर्म्स को इंडिया में लाया जा चुका है. स्टिल वी नीड सम मोर रिफॉर्म्स इन आवर कंट्री टू डेवलप द एग्रीकल्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स.